तो कायदे से मैं आप दोनों से ज्यादा कमाता हूँ, तो उसका ये मतलब ये है कि मैं आप दोनों से बदतमीजी से बात करूँ। भटूरे खाएं? हाँ भैया। हाँ जी मैडम जी, एक प्लेट भटूरे देना। नहीं मैडम जी। मैम आपकी प्लेट। थैंक यू भैया। वाओ गरम गरम भटूरे, जल्दी खानी तो लेट हो जाएंगे। मैम लगता है ये कोई चोर है। सही कह रही हो। हाँ बोलो। मैम ये रिंग कितने की है? तुझे पता है ये डायमंड की रिंग है, 18 कैरेट गोल्ड में बनी है, 1,75,000 रुपए की है और तेरी औकात से बिल्कुल बाहर है। कहीं तू भटूरों के नाम पे चोरी तो नहीं करता है? वो क्या है ना मैम, करवा चौथ आने वाला है तो मैंने सोचा वाइफ को एक ऐसी सी डायमंड की रिंग गिफ्ट करूं। अजीब पागल है तू, तूने सुना नहीं क्या, ये रिंग पूरे 2,25,000 रुपए की है, 2,25,000 की नहीं है। एक काम कर, तू शनि बाजार या मंगल बाजार चला जा, वहाँ पटरी पे बैठ कर ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेके, क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल को हिंदी में, गिलट की ज्वेलरी, वही ज्वेलरी खरीद के अपनी वाइफ को ना करवा चौथ पे गिफ्ट कर दियो, तू भी खुश और तेरी वाइफ भी खुश। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं हम दोनों, 60,000 रुपए महीना कमाते हैं, और तू? आपको पता है ये भटूरी की प्लेट कितने की आती है? खैर छोड़िए मैं ही बता देता हूँ, 80 रुपए की। 2 बजे तक 200 प्लेट बेक कर मैं अपने घर चला जाता हूँ, यानी कि 16,000 रुपए कमाता हूँ मैं एक दिन के, 16,000। और अगर मैं उसमें से 3,000 कोस्टिंग निकाल दूँ ना एक दिन की लागत, तो भी मुझे 13,000 रुपए बचते हैं, 13। और जिसका महीने में 30 दिन, 13,000 × 30 डेज, यानी कि 3,90,000 रुपए कमाता हूँ मैडम मैं मंथली, आपकी सैलरी से कई गुना। और अगर मैडम मौसम अच्छा हो ना तो मैं मंथली 5,00,000 कमाता हूँ, 5,00,000। और मैडम आपने कितना बताया था मंथली? 60,000 रुपये, यानी कि एक दिन के 2,000 रुपये, और मैं कमाता हूँ 13,000 रुपये, यानी कि मैं आपसे 6 या 7 गुना ज़्यादा ही कमाता हूँ। मैडम आपने इस रिंग को लेने के लिए कई महीनों तक तो सोचा होगा, लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ। चलो मैं मान लेता हूँ आपने माइंड मेकअप कर लिया होगा रिंग लेने के लिए, लेकिन मैडम आपको कई महीनों की सैलरी लग गई होगी रिंग लेने के लिए। खैर मैम आज आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया कि इंसानों से कैसे बात करनी चाहिए, अगर कोई कम कमाता है तो उससे कैसे बात करनी चाहिए और कोई ज़्यादा कमाता है तो उससे कैसे बात करनी चाहिए। तो कायदे से मैं आप दोनों से ज़्यादा कमाता हूँ, तो उसका ये मतलब ये है कि मैं आप दोनों से बदतमीजी से बात करूँ। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो गुड। सर आप रेडी पे दिखाई नहीं दिए, लड़कों से पूछा वो कह रहे पार्क में। सर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, पहले आप 1,00,000 रुपये महीना डोनेट करते थे और अब 2,00,000 रुपये महीना, ऊपर वाले की कृपा से आप अच्छा कमाते हो तो इसको आप अच्छी जगह क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते, और इससे सर आपको काफ़ी प्रॉफिट भी होगा। तुम्हें पता है जिन लोगों तक ये 2,00,000 रुपये पहुँचता है वही मेरी इन्वेस्टमेंट है, और तुम मुझे कुछ कह रहे थे किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में, उसके लिए मैं कुछ करता हूँ। सर एक बात कहूँ अगर आप बुरा ना माने तो, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है, पर सच बात तो ये है कि आप ही जैसे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। सर चल लिफ्टिंग बहुत बेइज्जती हो गई है। दौलत से औकात नापी जाए जहां, क्या इंसान की कद्र होगी वहां।